न्यू प्रभात सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 1 मैथ्स एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5 हम इस वीडियो में कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड द सर्किल ऑफ डायमीटर। हमें पता है कि पाई जो होता है वो रेशियो होता है सर्कमफेरेंस और सर्किल के डायमीटर का, दैट इज पाई इज अपॉन सी अपॉन डी, विच इज सिंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट द पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, जो ये बताता है कि पाई क्या है, एक इरेशनल है, ये कैसे तुम पता करोगे। तो क्या लिखेंगे, देर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन व्हेन वी मेजर ए वैल्यू विद ए स्केल। तो वहाँ पर कुछ भी हमें वैल्यू फिक्स नहीं मिलती है जब हम इसको एक स्केल के साथ मेजर करते हैं। वी ओनली ऑप्टेन एन अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, हमें खाली एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है। वी नेवर ऑप्टेन एन एग्जैक्ट वैल्यू, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है। देयर फॉर वी मे नॉट रियलाइज वेदर सी और नो, इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि सी सर्कमफेरेंस इरेशनल है या डायमीटर इरेशनल है। और हमें पता है द वैल्यू ऑफ पाई जो होती है वो मुझे 22/7 और 3.14 पाई की वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन सी और डी के बारे में हम नहीं कह सकते कि इरेशनल होते हैं या नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पहले हमने ए से सी तक लाइन खींच ली 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी से सी तक एक 1 सेंटीमीटर और लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम 1 सेंटीमीटर, ओके। अब ए से सी तक का हमें क्या करना है, बाइसेक्टर बनाना है। तो ए के ऊपर पॉइंट के ऊपर रखो, आधे से ज़्यादा खोलो और उसको ऊपर नीचे आर्क लगा दो, ओके। सी के ऊपर रखो, उसको कट कर दो, इसको डैश डैश करके क्या कर देंगे, मिला देंगे, जिससे हमें इसका मिड पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा, मिड पॉइंट। ये आ गया हमारा पी पॉइंट, ओके। अब आपको क्या करना है, पी से लेके ए तक की डिस्टेंस भरनी है। पी से लो और ए तक की डिस्टेंस भर दो, भर दी। जो P से आएगी वही कहाँ से आएगी, C से भी आएगी। आपका P के ऊपर रखो, A तक की डिस्टेंस भर ली और अब एक सेमी सर्किल बना दो, सर्किल नहीं सेमी सर्किल, ठीक है। यही रहा है, बन गया सेमी सर्किल। अब हम क्या करेंगे, आपको B पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का, बी रिमेंबर 90 डिग्री, ओके। देखो बी के ऊपर राउंडर का यूज करके 90 डिग्री का एंगल बनाया, बी को जहाँ पे सेमी सर्कल को काटा वहाँ पर हमने क्या पॉइंट लिख दिया, डी, और वहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, मैच कर दिया, ओके। तो ये बी डी आपका क्या आ गया, √9.3, ओके। इसका कंस्ट्रक्शन आप खुद लिखेंगे। अब आ रही आती है क्वेश्चन नंबर 5 की, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है, यानी कि जो डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू है उसको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, कि हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7। तो 1 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर √7 आ जाएगा और यहाँ पर ओनली क्या बच जाएगा, 7, ओके। अगेन इसका अपोजिट यानी कि √7+6 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7+√6, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, √7+√6 और नीचे √7 का स्क्वायर √7, 7 हो जाएगा और ये 6, तो हमारे पास आया √7+√6। इसका 4 और 5 आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है।